सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। रजबुल मुरजब इस्लामी साल का सातवां महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ दिनों और रातों की खास अहमियत और फजीलत बयान करके उनकी खास खास बरकत और खसूसियात बयान फरमाई हैं। कुरान हकीम में इरशादी बारी ताला है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से इसने आसमान और जमीन बनाए उनमें से 4 हुरमत वाले हैं, ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर वक्त लड़ो जैसा वो तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह पाक परहेजगारों के साथ है। सूरह तौबा पारा नंबर 10 आयत नंबर 36। माह रजब की अजमत और फजीलत। माह रजब अजमत और फजीलत वाला महीना है। रजब का महीना इन 4 महीनों में से है जो कि हुरमत अजमत और फजीलत वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन शुमार महीनों का जो कि किताब इलाही यानी अहकाम शरिया में अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं, जिस रोज अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन पैदा किए इनमें 4 खास महीने अदब के हैं, ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम, रजब। यही दीन मुस्तकीम है, यानी इन महीनों का 12 होना और 4 का बिलतख़सीस। सो तुम इन सब महीनों के बारे में दीन के खिलाफ करके जो कि मौजिब गुनाह है अपना नुकसान मत करना। इब्ने अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने हिज्जतुल वदा के मौके पर अपने मिना के खुतबे में इरशाद फरमाया कि इस वक्त ज़माने घूम फिर कर इसी हालत पर आ गया है जिस दिन अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया था, यानी अब इसके दिनों और महीनों में कमी ज्यादती नहीं है। जो जाहिलियत के जमाने में मुशरिक किया करते थे अब वो ठीक होकर इस तर्ज पर आ गई है जिस पर इब्तिदा और असल में थी, लिहाजा एक साल 12 महीने का होता है। इनमें 4 महीने हुरमत और इज्जत वाले हैं जिनमें 3 महीने मुसलसल हैं, यानी ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और एक कबीला मजर वाला। रजब का महीना है जो कि जमातुल आखिरा और माह शाबान के दरमियान आता है। इमाम जिसास ने अहकामुल कुरान में फरमाया कि इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि इन 4 मुतबर्रिक महीनों का खास ये है कि इनमें जो शख्स कोई इबादत करता है इसको बकिया महीनों में भी इबादत की तौफीक और हिम्मत होती है। इसी तरह जो शख्स कोशिश करके इन महीनों में अपने आप को गुनाहों और बुरे कामों से बचा ले तो बाकी साल के महीनों में इसको इन बुराइयों से बचना आसान हो जाता है। इसलिए इन महीनों से फ़ायदा ना उठाना एक अजीम नुकसान है। मारिफुल कुरान हज़रत शाह वलीउल्लाह तहरीर फरमाते हैं कि मिल्लत इब्राहिम में 4 महीने अदब और एहतराम के थे। अल्लाह ताला ने असल हुक्म को यानी इनकी हुरमत को बरकरार रखा और मुशरिकीन अरब ने जो इसमें तहरीफ की थी इसकी नफी फरमा दी। मारिफुल कुरान जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रजब के महीने का चांद देखते तो दुआ फरमाते थे, तर्जुमा जिसका तर्जुमा यह है, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमाइए और हमें रमजान के महीने तक पहुंचा दीजिए, यानी इन महीनों में हमारी अतात और इबादत में बरकत अता फरमा और हमारी उम्र लंबी करके रमजान तक पहुंचा ताकि रमजान के अमाल रोजा और तरावियों वगैरह की सआदत हासिल करें। इस हदीस से मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने रजब और शाबान के महीनों में बरकत होने की दुआ फरमाई है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस इरशाद से रजब और शाबान के महीने का बरकत वाला होना जाहिर हुआ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। जज़ाकुम अल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।